कोश किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोश किचन में आज हम बनाना सीखेंगे मूंग दाल का हलवा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर करीब 1 कप मूंग की दाल ली है। इसको हम 3-4 बार अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धोकर कुछ देर के लिए भिगो कर रख देंगे। पाँच छः घंटे के बाद चेक करेंगे और आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से फूल गई है और अपने साइज से दुगनी हो गई है। ऐसे में इसका पानी हम निथार देंगे। अब इस दाल को इस जार में शिफ्ट करेंगे। जब आप दाल से पानी निथारें तो आपको बिल्कुल छन्नी से छानने की ज़रूरत नहीं है। और हल्का फुल्का, बहुत हल्का फुल्का पानी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी ख्याल रखें कि आपको अलग से पानी डालकर भी दाल को नहीं पीसना है। अब आप देख सकते हैं कि बिना पानी डाले जो इसमें हल्का फुल्का पानी था उसी के साथ हम इस दाल को पीसेंगे, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब दाल को चेक करेंगे और एक फाइन सा पेस्ट तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे पैन को गर्म। अब इसमें डालेंगे करीब 1 कप घी। मूंग दाल हलवा में थोड़ा सा घी ज़्यादा पड़ता है तभी ये अच्छी तरह से भुन पाता है। तो 1 कप मूंग की दाल के लिए हमें 1 कप घी का इस्तेमाल करना है। अब जैसे ही ये घी गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी और साथ ही डालेंगे 1 कप बेसन। इसे डालने से होता ये है कि हमारे हलवे का टेक्सचर और खुशबू काफ़ी अच्छी हो जाती है। आधा मिनट भूनने के बाद आँच को करें कम और इसमें डालेंगे पीसी हुई मूंग की दाल और अब धीमी आंच पर ही इसे हमें भूनना शुरू करना है। लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे भूनना है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें वरना मूंग दाल हलवे में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इस तरह से धीमी आंच पर इसे भूनें। अब जब तक ये दाल हम धीमी आंच पर भून रहे हैं, इसे भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम दूसरी तरफ एक सॉस पैन में 1/2 किलो दूध को गर्म कर लेंगे। अब इस दूध को हमें 1 उबाल आने तक पका लेना है। अब दूध में 1 उबाल आ चुका है और 1 उबाल आते ही हम इसमें डालेंगे ज़रा सा केसर और इसे धीमी आंच पर अब 10-12 मिनट के लिए यूं ही पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं धीमी आंच पर पकाते हुए मूंग की दाल ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब बस बहुत ज़रा सा 1-2 मिनट और पकाना है इसे हमें। अब आप देख सकते हैं दूध 10-12 मिनट से पक रहा है और काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ऐसे में हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम चीनी। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप मूंग की दाल में खोए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको दूध पकाने की इस तरह ज़रूरत नहीं है। आप 1 कप दूध में 50 ग्राम चीनी मिला के चाशनी तैयार करके भी हलवे में डाल सकते हैं। और अगर आप कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दूध को पूरी तरह अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम मूंग दाल हलवे के लिए खोए या फिर कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने 1/2 kg दूध को उबाल कर 10-12 मिनट धीमी आंच पर पका लिया है और दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है केसर की वजह से, इसकी रंगत भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब ऐसे में दूध को हम आंच से उतार देंगे। अब आप देख सकते हैं मूंग की दाल में काफ़ी अच्छा सा रंग आ गया है। तो अब इसे लगातार चलाते हुए हम इसमें दूध को शामिल करेंगे। और जब आप दूध डालें तो थोड़ी सी दूरी बना कर रखें क्योंकि ये छींटे उड़ाएगा, तो थोड़ा थोड़ा डालें और इस तरह चलाएँ। अब इसे मीडियम लो फ्लेम पर और दूध के सूखने तक अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए हमें पका लेना है। अब 5 से 7 मिनट हो गया है धीमी आंच पर इसे भूनते हुए और दूध भी लगभग सूख चुका है। ऐसे में हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, साथ ही डालेंगे मर्जी के मुताबिक किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट, जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब आप देख सकते हैं लगातार चलाते हुए दूध अच्छी तरह से सूख चुका है और हमारा हलवा भी लगभग तैयार है। अब सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे करीब 1/4 चम्मच जायफल पाउडर। आंच को करेंगे बंद, अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसे यूं ही ढककर छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे और
हलवे को एक बार अच्छी तरह मिला लेंगे और सर्व करेंगे मूंग दाल का हलवा। लीजिए, बनकर तैयार है मूंग दाल का हलवा। किसी भी आम या ख़ास मौके पर इस हलवे को बनाइए, इसका मज़ा लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइए कि आज की ये ख़ास रेसिपी आपको कितनी अच्छी लगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा कोश किचन को।